हेलो गाइस वेलकम टू डूअर क्लासेस डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ आज का डे है वेडनेसडे दिसंबर 26 2018 आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक फ्रेंड्स आज हम सिंगल फाइल आर्टिकल लेके आए हैं और आज का टॉपिक है मैनी माइल्स टू मक्का मक्का के लिए कई मील ठीक है ये आज का टॉपिक है आप एक लाइन पढ़ेंगे फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ द गवर्नमेंट्स प्रपोजल सरकार का प्रस्ताव टू फेरी मतलब फेरी मतलब होता है यात्रा कराना यात्रा के लिए ले जाना टू कैरी पीपल और गुड्स या लोगों को या फिर कोई सामान को फ्रॉम वन प्लेस टू एन उदर इन ए व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह किसी वाहन वगैरह में ले जाना तो व्यक्ति है तो यात्रा कराना हो जाएगा और सामान है तो मालवाहक के रूप में तो ढोने की सेंस में आ जाएगा है ना तो फेरी हज पिलग्रिम्स हज के पिलग्रिम माने होता है तीर्थयात्री हज के तीर्थयात्रियों को फेरी करना ले जाना मतलब यात्रा कराना बिटवीन मुंबई मुंबई से एंड जेद्दाह जिद्दाह मुंबई और जिद्दाह के बीच में इज एन एक्सरसाइज ये एक एक्सरसाइज है एक कार्य है इन एन एनेक्रोनिज्म एनेक्रोनिज्म का मतलब होता है ओल्ड फैशन इन एल्ड फैशन वे ठीक है पुराने जमाने का पुराने ढंग का कार्य है ठीक है तो ये पूरा मीनिंग समझेंगे फिर टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि सरकार का जो प्रस्ताव है हज पिलीग्रिम्स को मुंबई और जेद्दा के बीच में यात्रा कराने का ये प्रस्ताव क्या है इज एन एक्सरसाइज इन एनक्रिज्म ये पुराने जमाने की एक्सरसाइज है ये जो तरीका है ये क्या है पुराने जमाने का है ओल्ड फैशन है आप देखोगे ये जो इज है ये आया है गवर्नमेंट्स प्रपोजल सरकार का प्रस्ताव पहला प्रपोजिशन टू इसके पहले वाला नाउन वर्ब को डिसाइड कर रहा है और यहाँ पर वही चीज़ है द गवर्नमेंट्स प्रपोजल सरकार का प्रस्ताव इज एन एक्सरसाइज वो एक पुराने जमाने का कार्य है और कैसा प्रस्ताव प्रस्ताव ये है हज पिलीग्रिम्स को मुंबई और जेद्दा के बीच में यात्रा कराने का जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मक्का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ पर लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं ठीक है ये पड़ता है सऊदी अरब में ठीक है और जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पर जाते हैं चाहे वो देश के मतलब कहने का अलग अलग दुनिया के वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से ठीक है ना तो यहाँ पर दरअसल इंडिया से जब हम सऊदी अरब की बात करें तो आज से पहले क्या होता था कि समुद्री यात्रा के द्वारा ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे जो हज पिलग्रिम्स हुआ करते थे हज के तीर्थयात्री ये समुद्री यात्रा से मक्का के लिए जाया करते थे तो जो रूट हुआ करता था वो मुंबई से जेद्दा का हुआ करता था मुंबई आपका इंडियन पोर्ट हो गया जहाँ से लोग हज यात्रा के लिए शुरुआत करते थे और जेद्दा जो कि सऊदी अरब का पोर्ट है वहाँ और ये सऊदी अरब का वो पोर्ट है जो कि मतलब मक्का मदीना जो तीर्थ स्थल है वहाँ से काफ़ी नज़दीक है ठीक है ना ये पोर्ट सिटी एक तरह से जद्दा तो यहाँ मुंबई से जेद्दा के लिए यात्रा हुआ करती थी समुद्री यात्राएं है 1995 में इसको धीरे धीरे करके रोक दिया गया और फिर फ्लाइट्स वगैरह टेक ऑफ करने लगी और उससे हज यात्राएं होने लगी ठीक है तो समुद्री यात्राएं किसी तरह से मतलब कहने का खत्म हो गई समाप्त हो गई अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या एक प्रपोजल लेके आई है कि जो सी वॉयज़ हैं समुद्री यात्राओं के द्वारा हज तीर्थयात्रियों को भेजना उनकी हज यात्रा को पूरा करना उनके तीर्थ स्थल की यात्रा को पूरा करने का जो प्रस्ताव है ये लेकर के आई है सऊदी अरब से बात की गई है कि क्या समुद्री यात्राओं से फिर से मतलब इस शेड्यूल को रीओपन किया जा सकता है तो इस आर्टिकल में हम यही पढ़ने वाले हैं कि पुराने समय में जब तीर्थ यात्राएं समुद्री मार्ग से होती थी 1995 के पहले तो कौन कौन सी ट्रबल्स कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का फ़ेस करना पड़ता था हज पिलग्रिम्स को आज ये शुरुआत हो रही है तो कौन से इम्प्रूमेंट्स हो सकते हैं कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स उसी तरह बरकरार रहेंगी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है कि टाइम की फ़्लाइट से आप बिल्कुल ईजीली पहुँच सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप मतलब सी वॉयज की बात करो समुद्री यात्रा की बात करो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक है लेकिन अगर कॉस्ट की बात करें तो फ्लाइट से आपको खर्च ज़्यादा पड़ेगा समुद्री यात्रा से आपको खर्च कम पड़ेगा तो यहाँ पर क्या है जो हज यात्री हैं उनके खर्च में मतलब जो स्पेंडिंग्स है उसमें कमी आ सकती है समुद्री यात्रा से ठीक है तो कुछ फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं तो नुकसान और फायदे दोनों चीज़ों को यहाँ पर चर्चा की गई है कि अगर ये प्रपोजल मतलब कहने का इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं ठीक है ना तो आज हम इस टॉपिक में इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डीपली इसके बारे में जानते हैं विथ सम वर्ड्स एंड ग्रामर पॉइंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रपोजल केंद्र सरकार का प्रस्ताव टू फेरी हज पिलग्रिम्स हज तीर्थयात्रियों को यात्रा कराने का बिटवीन इंडिया सॉरी बिटवीन मुंबई एंड जेद्दा मुंबई और जेद्दा के बीच कॉल्स फॉर कॉल फॉर समथिंग का मतलब मैंने बताया था डिमांड फॉर समथिंग किस चीज़ की मांग करना टू रिक्वायर फॉर समथिंग किस चीज़ की आवश्यकता होना अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह यूज होता है ठीक है तो यहाँ पर कॉल फॉर डिमांड्स यानी कि रिक्वायर रिक्वायर्स माने आवश्यकता है क्या और सीरियस रिथिंक एक गंभीर रूप से रिथिंक पुनर्विचार की ठीक है ना केंद्र सरकार का जो हज तीर्थ यात्रियों को मुंबई और जेद्दा के बीच में यात्रा कराने का प्रस्ताव है ये प्रस्ताव के लिए आवश्यक है एक गंभीर रिथिंग करने की मतलब इस प्रस्ताव को गंभीरता के साथ पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ठीक है कॉल्स फॉर डिमांड है मांग है या फिर आवश्यकता है प्रपोजल सिंगुलर है इसलिए कॉल्स आया है यहाँ पर भी ठीक है अभी पहले आपने हेडिंग में पढ़ा था तो ईज आया था ठीक है ना नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है डिस्पाइट इसके बावजूद की इट्स लॉडेबल इंटेंशन लॉडेबल होता है प्रशंसनीय कमेंडेबल प्रेजवर्दी ओके कमेंडेबल सी ओ डबल एम ई एन डी ए बी l e ठीक है और लॉडेबल भी माने प्रशंसनीय होता है लॉडेबल इंटेंशन इंटेंशन माने होता है इरादा ऑफ किस चीज़ का प्रूव प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर प्रदान करने का फॉर पुअरर पिलग्रिम्स मतलब कहने का गरीब तीर्थयात्रियों के लिए टू ट्रेवल टू मक्का मक्का की तीर्थ की ओर वो यात्रा करें मक्का की ओर यात्रा करने के लिए गरीब जो तीर्थयात्री हैं उनको एक अवसर प्रदान करने के इरादे से ये एक प्रशंसनीय होने के बावजूद ठीक है इस पर एक गंभीर विचार करने की जा मतलब कहने का आवश्यकता है रिक्वायरमेंट है कॉल फॉर है ठीक है तो मीनिंग क्या निकला पूरा आप कंप्लीट सेंस में देखेंगे केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है हज तीर्थ यात्रियों को मुंबई से जेद्दा के बीच में यात्रा कराने का इस प्रस्ताव को गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है सीरियस रिथिंक मतलब गंभीर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है इस पर इसके बावजूद कि इसका इंटेंशन जो इरादा जो है बहुत ही प्रशंसनीय है क्योंकि इरादा है क्या इसका इरादा यह है कि जो गरीब तीर्थयात्री हैं उनको भी मक्का तक की यात्रा करने का एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराया जाए ठीक है आगे पढ़ते हैं ऑन द फेस ऑफ इट ऑन द फेस ऑफ़ इट एक पूरा फ्रेज है इसको आप पूरा याद कर लीजिए ठीक है ऑन द फेस ऑफ इट होता है ऊपरी रूप से है ना सुपर आप सिंपली कह सकते हो ये एडवर्ब के रूप में जैसे आया ये ऑन द फेस ऑफ इट आप इसको क्या पढ़ सकते हो सुपर ऊपरी रूप से मतलब ऊपर ऊपर अगर आप देख करके कहो द मूव लुक्स इल कंसीव्ड ये जो पहल है लुक्स इल कंसीव्ड एक इल कंसीव्ड होता है बैडली प्लाट बुरी तरह से नियोजित दिखाई देती है एंड अपीयर्स और प्रतीत होती है टू बी एन एक्सरसाइज एक कार्य है इन एनक्रोनिज्म एनक्रोनिज्म का मतलब हो गया ओल्ड फैशन वे एक पुराने ढर्रे वाला कार्य है ठीक है क्यों सी वेज को आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो ये क्या है आज के मॉडर्न टाइम पे आप एक लॉन्ग पीरियड वाले जर्नी को अगर अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा ये क्या लगता है ओल्ड फैशन लगता है ठीक है तो इल कंसीव्ड मान लिया होता है बैडली प्लांट बुरी तरीके से नियोजित किया हुआ और एनक्रोनिज्म होता है ओल्ड फैशन ठीक है आगे पढ़ते हैं द करेंट अरेंजमेंट फॉर द हज पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्री ठीक है तीर्थ यात्रा तो द करेंट अरेंजमेंट वर्तमान में जो तैयारियां हैं फॉर द हज पिलग्रिमेज हज तीर्थ तीर यात्रा के लिए बाय द हज कमेटी हज कमेटी के द्वारा ऑफ इंडिया भारत की हैज वर्कड वेल उन्होंने अच्छा काम किया है ठीक है तो वर्तमान तैयारी जो हज तीर्थ यात्रा की है किसके द्वारा की गई है तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज डाला है बाय द हज कमेटी ऑफ इंडिया भारत की हज कमेटी के द्वारा हज तीर्थ यात्रा की जो वर्तमान तैयारी की गई है हैज़ वर्कड वेल उसने अच्छा काम किया है ठीक है तो करेंट अरेंजमेंट जो है इस अरेंजमेंट के लिए हैज़ आया है करेंट अरेंजमेंट हैज़ वर्कड वेल इस करेंट अरेंजमेंट वर्तमान तैयारी अरेंजमेंट ने क्या किया है अच्छा कार्य किया है और अरेंजमेंट है किस चीज़ का हज पिलग्रिमेज हज तीर्थ यात्रा का अरेंजमेंट है किसके द्वारा किया गया है बाय द हज कमेटी ऑफ इंडिया हज कमेटी के भारत की हज कमेटी के द्वारा किया गया है वर्क वेल उसने अच्छा काम किया है एवर सिंस तब से जब से सी वॉयज वर फेस्ड आउट इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव तब से जब से सी वॉयजेस समुद्री यात्राएं वर फेस्ड आउट फेज आउट होता है धीरे धीरे स्टॉप यूजिंग समथिंग ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे किसी चीज का प्रयोग करना समाप्त कर देना यही मतलब होता है ठीक है तो यहां पर क्या है कि सी वॉयजेस वेर फेस्ड आउट मतलब समुद्री यात्राएं क्या कर दी गई रोक दी गई या फिर उन्हें स्टॉप कर दिया गया उनका प्रयोग करना बंद कर दिया गया इन 95 फाइव उन्नीस में ठीक है तो तब से जब से समुद्री यात्राओं का प्रयोग करना या समुद्री यात्राएं मतलब बंद कर दी गई उन्नीस सौ में तब से हज कमेटी के द्वारा जो करंट अरेंजमेंट किए गए हैं हज यात्रा के उन्होंने अच्छा काम किया है ठीक है एंड हज एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड और हज प्रशासन को क्या कर दिया गया डिसेंट्रलाइज्ड वी केंद्रीकृत कर दिया गया होगा वी केंद्रीकृत को आप कैसे समझ सकते हो आप जान लीजिए जैसे सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है जब हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं किसी बॉडी को या किसी कार्य को सेंट्रलाइज कर रहे हैं मतलब उस कार्य को पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी एक ही बंदे पर सौंप रहे हैं एक बॉडी पर सौंप रहे हैं सब कुछ उसी को करना है पूरा मैनेजमेंट उसी को करना है, है ना तो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन होता है एक काम को कई जगह थोड़े टुकड़े टुकड़े में अलग अलग, अलग लोगों को सौंप देना जिससे क्या होता है काम और अच्छे तरीके से होता है इसलिए कि अब आप सोचिए आपकी कोई बड़ा कार्य है अगर वो एक व्यक्ति पर सौंपा जाएगा या एक बॉडी पर सौंपा जाएगा तो वो कितना मैनेजमेंट कर पाएगा लेकिन अगर कई लोगों पर छोटा छोटा करके उसको बांट दिया जाएगा तो इससे फायदा ये होता है कि हर व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार होगा अपने सौंपे हुए कार्य के लिए जिम्मेदार होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन से प्रोसेस और अच्छे हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर यही चीज है कि हज एडमिनिस्ट्रेशन को जब से डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और उन्नीस में जब समुद्री यात्राओं को फेज आउट कर दिया गया धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया तब से लेकर के हज कमेटी के द्वारा जो भारत की हज कमेटी है उसने अच्छा काम किया है हज यात्राओं के करंट अरेंजमेंट के लिए ठीक है ना आगे पढ़ते हैं फ्लाइट्स फ्रॉम 21 सिटीज़ इन इंडिया टेक पिलीग्रिम टू जेद्दा इन सिक्स टू एट आवर्स जो उड़ाने हैं फ्रॉम 21 सिटीज ग्यारह इक्कीस सॉरी इक्कीस शहरों से इन in इंडिया भारत के टेक पिलीग्रीम्स वो तीर्थयात्रियों को ले जाती हैं टू जेद्दाह जेद्दा में इन सिक्स टू एट आवर्स छः से आठ घंटे में वो इक्कीस शहरों से भारत के इक्कीस शहरों से फ्लाइट्स जो हैं वो तीर्थयात्रियों को जेद्दा ले जाती हैं ठीक है पिलीग्रीम्स हैव टू स्पेंड अ मैक्सिमम ऑफ सिक्स डेज इन एंड अराउंड मक्का टू कैरी आउट द कोर रिचुअल ऑफ द हज और जो तीर्थयात्री अभी देखिए फ्लाइट के क्या है बेनिफिट्स हैं आप ये जान लीजिए फिर आगे चल के आप सी वर्ल्स के बारे में भी जानेंगे फिर आप खुद कंपेयर कर पाएंगे कि क्या बेनिफिशियल था और क्या नहीं ठीक है जो तीर्थयात्री थे उन्हें मैक्सिमम क्या करना हैव टू स्पेंड उन्हें व्यतीत करना होता है अ मैक्सिमम ऑफ सिक्स डेज अधिकतम छः दिन इन एंड अराउंड वहाँ पर एंड अराउंड पास में मक्का के टू कैरी आउट द कोर रिचुअल्स कैरी आउट माने होता है पूरा करने के लिए द कोर रिचुअल्स कोर माने इंपॉर्टेंट या मेन रिचुअल्स होता है अनुष्ठान धार्मिक क्रियाएं ऑफ द हज हज की मतलब देखिए हर धर्म की एक अपनी क्रियाएं होती हैं अपने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उस हिसाब से हज के जो हज तीर्थ यात्रा ये लोग करते हैं तो इनके जो मुख्य तीर्थ अनुष्ठान होते हैं धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें क्या लगता है उन्हें मैक्सिमम छः दिन लगते हैं मक्का के आसपास ठीक है ना मोस्ट बिलग्रम्स ज़्यादातर जो तीर्थयात्री हैं आल्सो स्टे फॉर टेन डेज वो रुकते हैं फॉर टेन डेज दस दिनों के लिए इन मदीना मदीना में मदीना क्या है द प्रोफिट्स एडॉप्टिड सिटी अडॉप्टिड सिटी के बारे में ध्यान सुनिए अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन किसी सिटी को अडॉप्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे गोद ले रहा है, है ना अगर वो किसी व्यक्ति की अडोप्टिड सिटी है इट मीन्स वो सिटी ऐसी है जहाँ पर उसने रहना चुनाव रहने का चुनाव किया है ठीक है तो अगर प्रॉफिट्स की पैगंबर साहब की जो अडॉप्टेड सिटीज़ के बारे में अगर मदीना को पैगंबर साहब की अडॉप्टेड सिटी कहा गया मींस कहने का जो पैगंबर साहब थे इन्होंने मदीना में रहने का चुनाव किया था ठीक है ना ये कहने का मतलब है तो ज़्यादातर तीर्थयात्री दस दिन रुकते हैं मदीना में मदीना है क्या ये पैगम्बर साहब की क्या है एक अडॉप्टेड सिटी है मतलब जहाँ ये रहे थे ठीक है द हज कमिटी शेड्यूल स्ट्रेचेस एक्रॉस फोर्टी डेज और हज कमिटी का जो शेड्यूल है पूरा मतलब कहने का तारीख का पूरा जो शेड्यूल है वो रूप स्ट्रेचेस एक्रॉस फोर्टी डेज वो चालीस दिनों तक विस्तृत होता है बढ़ता है ठीक है चालीस दिन तक रहता है आगे पढ़ते हैं इट इज़ डाउटफुल ये संदेहपूर्ण पूर्ण है वेदर कि क्या एनी सी वोइज क्या कोई समुद्री यात्रा वुड टेक लेस देन एट डेज क्या वो आठ दिन से कम लेगी फॉर एन एवरेज पिलिग्रम एक औसत या तीर्थयात्री के लिए बिटवीन मुंबई एंड जेद्दा मुंबई और जेद्दा के बीच में ठीक है तो यह संदेहपूर्ण बात है कि क्या कोई तीर्थ यात्रा मतलब सॉरी कोई समुद्री यात्रा जो है वो आठ दिन से कम लेगी एक औसत तीर्थयात्री के लिए कौन सा तीर्थयात्री जो बिटवीन मुंबई एंड जेद्दा मुंबई से मुंबई और जेद्दा के बीच में जो यात्रा कर रहे हैं उनमें एक समुद्री यात्रा में आठ दिन से कम क्या लगेगा है ना द मोस्ट मॉडर्न विजिल जो सबसे आधुनिकतम विजिल माने होता है समुद्री शिप वगैरह है ना समुद्री जहाज जो है बड़ा जहाज विजल को आप कह सकते हो तो बिग बोट या बिग शिप ठीक है ना तो जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न विजिल है ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी नॉटिकल मील्स एन आवर वो ट्रैवल यात्रा करते हैं ट्वेंटी नॉटिकल मील्स एन आवर ट्वेंटी नॉटिकल मील, मील प्रति घंटे की रफ्तार से देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूँ एट अ स्पीड ऑफ एट द रेट ऑफ मतलब इतने की दर से है ना तो एट द रेट ऑफ होता है एट ए स्पीड ऑफ तो ट्रैवल एट समथिंग जब ट्रैवल के साथ प्रिपोजिशन एट का बात है जब आप रेट की बात करते हो या फिर स्पीड की बात करते हो ठीक है तो ये पिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा चुका है एग्जाम में ठीक है तो ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 20 नॉटिकल मील्स एक नॉटिकल मील को आप ये जान लीजिए 1.852 समथिंग किलोमीटर के बराबर होता है ठीक है वन नॉटिकल वन मील वन नॉटिकल मील तो वन नॉटिकल मील्स में वन पॉइंट किलोमीटर ठीक है तो ये ट्वेंटी नॉटिकल मील एन आवर एक घंटे में चलती है ठीक है ना तो इसकी स्पीड क्या हो गई ट्वेंटी नॉटिकल मील पर आवर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे पर न लगा करके एन लगाया है ठीक है तो वो एक ही बात है ठीक है चाहे आप लिखिए 20 किलोमीटर पर आवर या फिर आप लिखिए 20 किलोमीटर एन आवर दोनों का मतलब सेम होता है जब जो पर का सेंस प्रति का सेंस देता है उसकी जगह हम पर की जगह ए एन एन भी लगा सकते हैं ठीक है ना ए या एन आर्टिकल तो आवर है इसलिए तो इस आवर के लिए क्या लगेगा आपका एन लगता है है ना तो इसलिए यहाँ पे एन लगाए आप आप ए या एन में से कोई आर्टिकल लगा सकते हो तो वो प्रति का सेंस यहाँ पे देता है ठीक है ये चीज ध्यान रखना गिवेन दिस स्पीड अगर इस्पीड को गिवेन का मतलब जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है गिवेन तो क्या पढ़ते हैं इफ़ वी कंसिडर इफ वी कंसिडर दिस स्पीड अगर हम इस स्पीड इस चाल को ध्यान में रखें द जर्नी बिट्वीन मुंबई एंड जिद्दा तो जो यात्रा है मुंबई और जिद्दा के बीच में कौन कितनी है ये टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नोटिकल मील्स चौबीस सौ नोटिकल मील्स है जो यात्रा वुड रिक्वायर इसके लिए आवश्यक होगा एट लीस्ट फाइव डेज कम से कम पाँच दिन ठीक है ना अब देखिए ट्वेंटी नॉटिकल मिल्स है और इतने हमें चलना है तो कितने घंटे हो गया अगर एक घंटे में ट्वेंटी नॉटिकल मिल्स तो ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड को ट्वेंटी से जब डिवाइड करोगे वन ट्वेंटी आवर्स आएगा वन ट्वेंटी आवर्स मतलब ट्वेंटी फोर फाइव वन ट्वेंटी होता है मतलब चौबीस घंटे का एक दिन तो आपके पांच दिन हो गए फाइव डेज हो गए ठीक है तो व्यूड रिक्वायर इनके लिए आवश्यक होगा एट लीस्ट फाइव डेज कम से कम पाँच दिन तो लग ही जाएंगे ठीक है इफ़ वेदर यदि वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल यदि मौसम की जो दशाएं हैं आर फेवरेबल वो अनुकूल रहती हैं तब की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? और हकीकत में होता क्या है विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस जो कि हमेशा ऐसा मामला नहीं होता सही बात है कि वेदर जो होते हैं हमेशा कहाँ अनुकूल होते हैं तो यही कह रहे हैं कि अगर मौसम की दशाएं अनुकूल ती हैं तो इतना टाइम लगेगा विच इज नॉट ऑलवेज डे जो हमेशा नहीं होता है ठीक है तो पूरा मीनिंग क्या निकला यदि हम इस चाल को ध्यान में रखें तो जो मुंबई और जेद्दा के बीच की चौबीस नॉटिकल मील की यात्रा है इसके लिए कम से कम पांच दिन लगेगा और वो भी तब जब कंडीशन सारी फेवरेबल हों वेदर कंडीशन जो कि हमेशा नहीं होता है ठीक है नॉर्मली सामान्य रूप से अ पैसेंजर विजिल एक जो यात्रा करने वाला जो बड़ा जहाज होता है कैरीज वो ले जाता है 4000 थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड पीपल चार हजार से पांच हजार लोगों को ले जाता है दिस मीन्स इसका मतलब पिलग्रिम्स एट बोथ ends जो तीर्थयात्री हैं एट बोथ एंड्स मतलब दोनों तरफ के जैसे एक जेद्दा तरफ के तीर्थयात्री जो इंडिया आने वाले हैं और मुंबई के तीर्थयात्री जो कि मतलब जेद्दा फिर से यात्रा के लिए जाने वाले हैं तो कह रहे हैं कि दिस मीन्स इसका मतलब जो दोनों तरफ के तीर्थयात्री हैं विल रिक्वायर उन्हें आवश्यकता होगी अ डे एक दिन की टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ होता है औपचारिकताएं आवश्यक चीज़ें औपचारिकताएं ऑफ़ कस्टम्स माने रीति रिवाजों से संबंधित एंड इमिग्रेशन और प्रवास से संबंधित भाई प्रवास दूसरे देश में जा रहे हैं रहने के लिए है ना इस हिसाब से तो प्रवास से रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको तैयार करना रीति रिवाजों से संबंधित अपनी फॉर्मेलिटीज़ को प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक दिन और चाहिए होगा ठीक है ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एड टू दिस इसके अतिरिक्त अ डेज जर्नी एक दिन की यात्रा बाई ट्रेन ट्रेन के द्वारा टू मुंबई कहाँ के लिए ट्रेन टू मुंबई मुंबई के लिए फ्रॉम द पिलीग्रिम्स पॉइंट ऑफ ऑरिजिन तीर्थ यात्री का जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन है मूल स्थान है वहाँ से भाई अब हर व्यक्ति जैसे मुंबई से जाना है जिसको तो मुंबई में ही तो रहते नहीं होंगे कहीं हो, थोड़ा सा तो हो सकता है मुंबई से बाहर हो है ना मध्य प्रदेश से कोई जाने वाला हो कोई और दूर से हो तो कम से कम उन्हें एक दिन तो लगेगा मुंबई तक जाने के लिए सी वॉइस को वो कब फॉलो करेंगे जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो मुंबई पहुंच अपने पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से मुंबई जाने के लिए उन्हें एक दिन की जर्नी और करनी पड़ेगी ट्रेन से कम से कम ठीक है तो ये यह यहाँ पे कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे बाई ट्रेन आया है ठीक है जब ऐसे यात्रा के लिए लिखते हैं ना बाई ट्रेन या फिर आपने लिख दिया बाई ट्रेन हो गया बाई सी हो गया बाई एयर हो गया बाई सी मतलब समुद्री यात्रा से बाई एयर मतलब हवाई यात्रा से है ना बाई ट्रेन ट्रेन यात्रा से तो इस प्रकार की जब फॉर्मेशन होते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आता और यही आ चुका है एग्जाम में और एरर का पार्ट बना था बाय द ट्रेन होगा तो गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ एड टू दिस जो लिखा है पूरा मीनिंग इसका ये हो जाएगा कि एक दिन की अतिरिक्त जर्नी चाहिए होगी ट्रेन से जाने के लिए मुंबई की ओर क्यों क्योंकि पिलग्रिम के पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से मुंबई अलग होगा मान लो तो फिर क्या होगा ठीक है उस स्थिति में इन कंट्रास्ट टू फ्लाइट अरेंजमेंट्स उड़ान से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं तैयारी अरेंजमेंट्स हैं इन कंट्रास्ट उसके विपरीत फ्लाइट अरेंजमेंट के विपरीत द सी रूट जो समुद्री मार्ग है इंटेल्स इंटेल माने होता है इन्वॉल्व उसमें शामिल है इंटेल वर्ड अभी एक दो दिन पहले आया था ठीक है और इंटेल का मैंने बताया था साइनोनिम इंटेल इन इंटेल समथिंग मींस कहने का इन्वॉल्व समथिंग किसी चीज को शामिल करना इसका प्रिपोजिशन भी बताया था इंटेल इन समथिंग जैसे आता है तो इंटेल इन डूइंग समथिंग इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग किसी चीज का किसी कार्य में शामिल होना किसी चीज में लगे रहना ठीक है इस प्रकार से फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है अब ठीक है ना तो फ्लाइट अरेंजमेंट्स के विपरीत जो समुद्री मार्ग है उसमें शामिल है सेंट्रलाइजेशन ऑफ हज अरेंजमेंट्स हर हज अरेंजमेंट्स का सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण समुद्री मार्ग में पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन होता है एक ही रूप से एक ही जगह पर पूरा का पूरा क्या होता है uh, मतलब आगे हमें किस प्रोसेस को कैसे बढ़ाना है इसका पूरा कंट्रोल सिंगल पॉइंट पे होता है ठीक है इट प्री सपोजेज ये जो मतलब कहने का हज अरेंजमेंट है हज अरेंजमेंट का सेंट्रलाइजेशन बोर्ड ये क्या करता है इट प्रिस ये पहले से मान लेता है प्री सपोज प्री माने पहले सपोज माने मान लेना पहले से ही सपोज कर लेता है पहले से मान लेता है दैट की ऑल प्लेवियम्स की जितने भी तीर्थयात्री हैं विल बी क्लस्टर्ड क्लस्टर होता है गुच्छे के रूप में तो यहाँ क्लस्टर्ड मतलब हो जाएगा इकट्ठा हो जाना ठीक है तो सारे के सारे तीर्थयात्री इकट्ठा हो जाएंगे इन मुंबई मुंबई में फॉर इम्बार्केशन इम्बार्केशन होता है लदना या लादना जैसे कि अब कोई माल वगैरह है कोई गुड्स है तो उनको क्या है लाद देना किसी जहाज़ में तो इम्बारकेशन होता है लेकिन अब पिलग्रिम की अगर बात करो आप तीर्थ यात्रियों की बात करो तो लादना शब्द क्या है अच्छा नहीं माना जाएगा आप सवार होना यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि मीनिंग कि आप पहले से मान लेता है बोर्ड की जो तीर्थ यात्री हैं वो सारे मुंबई में इकट्ठा हो जाएंगे सवार होने के लिए ठीक है आगे पढ़ते हैं फ्लाइट्स फ्राम प्रोविंशियल कैपिटल्स हैड ड्रेस्टिकली ईज द रिगर्स ऑफ पैसेज टू द होली सिटीज़ जो फ्लाइट्स मैंने उड़ाने हैं कहाँ से फ्राम प्रोविशियल कैपिटल्स प्रोविंशियल होता है प्रांतीय कैपिटल्स माने राजधानियाँ प्रांतिय राजधानी मतलब जैसे अलग अलग प्रदेश की अलग अलग राजधानी तो अलग अलग प्रदेश की जो अलग अलग प्रांतीय राजधानियां हैं उन्होंने वहाँ से जो उड़ाने हैं हैड उन्होंने क्या किया था थाड ड्रास्टिकली ईज्ड ड्रास्टिकली होता है चौका देने वाला रूप है ना सडन एंड ए शॉकिंग वे ठीक है ना अचंभित रूप से क्या कर दिया था ईज माने आसान कर दिया था द रिगर्स ऑफ द पैसेज रिगर ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है रिगर्स ऑफ समथिंग होता है द डिफिकल्टीज एंड अनप्रजेंट सिचुएशन ऑफ सम कंडीशन ऑफ समथिंग किसी स्थिति की बहुत ही बुरी और कठिनाई पूर्ण दशाएं जो होती हैं उन्हें कहते हैं रिगर्स ऑफ समथिंग तो यहाँ रिगर्स ऑफ पैसेज है मीन्स रास्ते की और रिगर्स माने कठिनाइयाँ कैसा रास्ता टू द होली सिटी जो कि पवित्र स्थान को पवित्र शहर को जाता है तो पवित्र शहर को जाने वाला जो रास्ता है उसके भी उसमें जो कठिनाई सामना करना पड़ता है और जो कठिनाइयाँ हैं उनको बहुत ही अचंभित चौंका देने वाले वाले रूप में क्या कर दिया गया था आसान कर दिया था किन्होंने आसान कर दिया था जो प्रांतीय राजधानी से उड़ने वाली मतलब फ्लाइट्स हैं उन्होंने भाई फ्लाट्स फ्लाइट से जाने से बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं रास्ते के मार्ग मतलब मार्ग के दौरान की वो आसान हो गई थी भाई प्रोविंशियल कैपिटल में अपने अपने कैपिटल में जाओ आराम से उड़ के और अपने शहर पहुंच जाओ होली सिटी पहुंच जाओ है ना तो सरल होता था आसान होता था तो वही कह रहे हैं कि ड्रेस्टिकल बहुत ही अचा, अचा, बहुत ही तेजी के साथ आसान कर दिया गया था मुश्किलों को ठीक है ना हज हाउसेज जो हज हाउस हैं हैड कम स्टेट कैपिटल स्टेट कैपिटल राज्य राजधानियों राज्य की राज्य जो राजधानियां हैं वहां पर कम अप इन मतलब कहने का बिल्डअप हज हाउस जो थे वो स्टेट कैपिटल्स में बनाए गए थे एंड वे टेकिंग केयर ऑफ रीजनल क्लस्टर्स और टेकिंग टेक केयर ऑफ समथिंग देखभाल कर रहे थे ध्यान दे रहे थे रीजनल क्लस्टर्स रीजनल माने होता है क्षेत्रीय और क्लस्टर माने होता है भीड़ ठीक है ना आप क्लस्टर क्या होता है ग्रुप ऑफ इलाज नंबर ऑफ पीपल्स टाइप पढ़ सकते हो ठीक है गुच्छा होता है वैसे क्लस्टर लेकिन यहाँ पर क्या है काफी बड़ी मात्रा में लोग तो जो वहां के हज हाउस हुआ करते थे वो स्टेट कैपिटल्स में बनाए गए थे और साथ में वो देखभाल करते थे रीजनल उस क्षेत्र के पर्टिकुलर अपने अपने क्षेत्र की क्या जो भीड़ थी आती थी वहां पर उनका बिसाइड्स बींग एनक्रिस्टिक एनक्रोनिस्टिक होता है ओल्ड फैशन ठीक है ओल्ड फैशन होने के बिसाइड्स माने अलावा बिसाइड्स वर्ब को आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे कि सॉरी वर्ड है वर्ड वर्ब नहीं वर्ड इस वर्ड को आप ध्यान देंगे कि बिसाइड्स और बिसाइड दो वर्ड होते हैं ठीक है अब बिसाइड होता है के बगल में और बिसाइड्स जब एस लग जाता है इसमें तो होता है के अलावा ठीक है अब बिसाइड को जैसे आप यूज़ कर सकते हो कैन आई सिट बिसाइड यू क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो बिसाइड तो वहाँ पर अगर बिसाइड्स लिख दोगे एस वाला एस ऑल वाल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा तो दोनों में क्या अंतर होता है ये चीज़ आपको ध्यान देना है इस पर बराबर क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते रहेंगे ठीक है ना तो बिसाइड्स बींग एनकोस्टिक मतलब कहने का ओल्ड फैशन होने के अलावा जो समुद्री यात्राएं हैं वर डिस्कार्डेड इनको डिस्कार्डेड माना होता है गेट रेड ऑफ उनसे छुटकारा पाया गया क्योंकि दे वर मिसयूज इनका दुरुपयोग किया जाता था बाय कार्टेल्स इन मुंबई मुंबई के कार्टेल्स के द्वारा कार्टेल क्या होता है अ ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत कंपनियों का ऐसा समूह जो कि कंपटीशन ना करें आपसी तालमेल बना के बैठें ताकि सभी को फायदा हो अपने फायदे के लिए आपस में कंपटीशन छोड़ करके वो खुद में तालमेल बैठाएं ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कहते हैं कार्टेल्स ठीक है cartels, ना ये वर्ड आ चुका है जब इकोनॉमिक एडिटोरियल मैंने पढ़ाया था तो ठीक है चार पाँच ही दिन या एक हफ्ता हुआ होगा समथिंग तो ये वर्ड्स आपको रिवाइज करते रहना है और ये बार बार एडिटोरियल्स में आते हैं तो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा तो आपको ये वर्ड्स अपने से याद हो जाएंगे आपको बैठ करके रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है तो मीनिंग क्या निकल के आया रिस्कार्ड समथिंग टू गेट रीड ऑफ समथिंग किसी से छुटकारा पाना होता है ठीक है तो ये ये जो समुद्री यात्रा थी ये पुराने जमाने की ओल्ड फैशन तो थी ही लेकिन इसके अलावा इसको छुट, इस पर से छुटकारा पाने का एक रीज़न क्या था एक ये था कि इनका दुरुपयोग किया जाता था कार्टेल्स के द्वारा कंपनीज़ के द्वारा जो कि मुंबई की कंपनियाँ थी उनके द्वारा दुरुपयोग किया जाता था कैसे किया जाता था ये पढ़िए चिल्ड्रन वर फेरीड फ्रॉम स्टेट्स सच एज़ वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम वेस्ट बंगाल बिहार और असम जैसे जगह से जो मतलब कहने का बच्चे थे वो क्या करते थे चिल्ड्रन वे फेरीड उनको फेरी मतलब यात्रा ले जाया जाता था फॉर ऑर्गेनाइज बेगिंग ऑर्गेनाइज माने होता है संगठित बेगिंग माने भीख मंगाने के लिए इन होली प्लेसेस पवित्र स्थानों में यहाँ से बच्चों को उठा करके और इसके समुद्र यात्रा के द्वारा ले जाया जाता था कहाँ के लिए पवित्र स्थानों में भीख मांगने के लिए ठीक है, है ना देम इनमें से कुछ वर पास्ड ऑन टू अनस्क्रप्लस एलिमेंट्स अनस्क्रप्लस होता है नॉट ऑनेस्ट बेईमान है ना धोखेबाज हैविंग नो मॉरल क्वालिटीज जिसके पास कोई मॉरल क्वालिटीज ना हो ऐसे व्यक्ति उनके पास इन्हें ले जाया जाता मोरल इमोरल एलिमेंट्स जो होते थे अनैतिक तत्व होते थे उनको भी क्या करते दिया पास ऑन टू पास ऑन टू होता है आगे बढ़ा देना किस चीज़ का प्रयोग करके उसको आगे बढ़ा देना प्रेषित कर देना भेज देना ये होता है तो इन बच्चों में से कई लोगों को क्या कर दिया जाता इनको अनस्क्रप्लस एलिमेंट्स जो बेईमान तत्व होते थे उनको सौंप दिया जाता था टू तो बी यूज ताकि इनका प्रयोग किया जाए इन कैमल रेसेस कैमल रेसेस में ऊंट जो दौड़ होती है उसमें कैमल रेस वगैरह जो होते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान ओमान जॉर्डन इस तरह के जो देश हैं वहां पर कैमल रेस जो है काफी फेमस है ठीक है तो इस तरह के रेसेस में इनको यूज किया जाता था देयर वर आल्सो इंस्टेंसेस ऑफ पुअर वुमेन यहां पर ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल्स ऐसे उदाहरण भी हैं ऑफ पुअर वुमेन गरीब महिलाओं के बींग जिनको लेर का मतलब होता है लालच देना तो बींग लेड जिनको लालच दिया जा रहा था बाय पर्सन ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे लोग पोजिंग एज जो कि प्रतीत होते हैं एज देयर मेहराम मेहराम का मतलब क्या होता है ब्लड रिलेटिव और गार्जियन फॉर आवर द जर्नी यात्रा के लिए बिल्कुल खून का संबंध रखने वाले या फिर कहते हैं गार्जियन का मतलब गार्जियन की भूमिका निभाने वाले महराम का महराम एक मतलब अपना उनकी भाषा का शब्द है महराम की तरह ये बिहेव करते थे ऐसे लोगों के द्वारा इन्हें लालच दिया जाता था जो कि महराम की तरह बिहेव करते थे और कैसे हु इंस्टीट्यूट जो कि इंस्टीट्यूट बदले में ट्रैपड दैम उनको फंसा लेते थे इन डोमेस्टिक सर्विट्यूड मतलब घरेलू सर्विट्यूड माने सेवा रूप में घरेलू काम करने के लिए सर्विट्यूड वर्क के लिए इन वेस्ट एशिया पश्चिमी एशिया में ठीक है ना तो मीनिंग ये निकला कि ऐसे भी उदाहरण शामिल हैं गरीब महिलाओं के जिनको ऐसे मतलब कहने का महराम के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा लालच दे दिया जाता था और क्या करते थे वो जो कि इनके बदले क्या करते थे इनको फंसा लेते थे घरेलू रूप से काम करवाने के लिए कहां पर वेस्ट एशिया में ठीक है नौकर की तरह बना के रखते थे द रिस्टोरेशन ऑफ शिप्स अगर जहाजों का रिस्टोरेशन फिर से प्रयोग किया जाता है रिस्टोर किया जाता है इनका यूज को वुड रीओपन तो ये फिर से खोल देगा द फ्लड गेट्स फ्लड गेट्स माने होता है एक विशाल बाढ़ का ऐसा दरवाजा जो कि बाढ़ ले आए है ना तो ये मतलब कहने का एक ऐसा मार्ग खोल देगा फॉर मिस यूज दुरुपयोग के लिए येट अगेन फिर से दोबारा ठीक है तो अगर शिप्स को का रिस्टोरेशन होता है प्रयोग में पुनः लाया जाता है तो ये फिर से खोल देगा एक बड़ा सा विशाल गेट किसका दुरुपयोग का ठीक है ना दोबारा से आगे पढ़ते हैं द अथॉरिटीज नीड टू एसेस द कम्बल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन री इंट्रोड्यूसिंग सी वॉयजेस जो अथॉरिटीज हैं नीड टू उन्हें आवश्यकता है टू एसेस मूल्यांकन करने की द कंबरसम फॉर्मेलिटीज कंबर सम होता है स्लो एंड मतलब कहने का कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही धीमी गति से चलने वाली और बहुत ही जटिल फॉर्मेलिटीज़ औपचारिकताओं को इन्वाल्व in, इन जो कि शामिल हैं इन इंट्रोड्यूसिंग री इंट्रोड्यूसिंग माने फिर से पेश करने में सी फिर से लागू करने में सी वर्ज माने समुद्री यात्रा को समुद्री यात्रा को फिर से लगाने में फिर से री इंट्रोड्यूस फिर से लगाने में या फिर से प्रयोग में लाने में शामिल जो भी बहुत ही धीमी और कॉम्प्लिकेटेड औपचारिकताएं हैं उनका मूल्यांकन करने की अथॉरिटीज़ को आवश्यकता है यहां पर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग इन टेल इन डूइंग समथिंग तो वही पैटर्न यहां पर आ रहा है इन प्रिपोजिशन फॉलो हो रहा है वर्ब की आईन फॉर्म प्रिपोजिशन के बाद आती ही है तो यहां पर भी फॉलो हो रही है ठीक है तो इस पैटर्न को ध्यान देना है अगर यहीं पर फ्लिडा ब्लैंक्स कर दे और तीन चार विकल्प दे दे इन वगैरह करके तो क्या है? आप इन प्रिपोजिशन भरोगे यहां पर ठीक है ना इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिल चुका था कल तो अथॉरिटीज़ जो है उनको आवश्यकता है क्या करने की मतलब एक धीमी गति से चल रही और जटिल जो औपचारिकताएं हैं उन पर उनका मूल्यांकन करने की यह औपचारिकताएं हैं कैसी जो कि समुद्री यात्रा को फिर से लागू करने के लिए शामिल हैं जिनकी आवश्यकता है इन मलेशिया मलेशिया में एंड इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में हज बोर्ड्स मोबिलाइज सेविंग वो कि हज बोर्ड्स जो हैं वो मोबिलाइज करते हैं बढ़ावा देते हैं सेविंग्स बचत को ठीक है इन्वेस्ट डैम इन प्रॉफिटेबल वेंचर्स और इनका प्रयोग भी करते इन्वेस्ट निवेश करते हैं प्रॉफिटेबल वेंचर्स ऐसे जोखिमों में जहां पर फायदा होता है ठीक है तो हज बोर्ड क्या करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के ये हज बोर्ड बचत को बढ़ावा देते हैं और इनको मतलब इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिटेबल वेंचर जहाँ पर फ़ायदा हो ऐसे जोखिम भरे कादों में इनका मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉन्स्टेंटली और निरंतर ऐड डिविडेंड्स और लाभ को एड करते हैं बढ़ाते जाते हैं टू डिपोजिट्स अपने में जमा राशि में लाभ को बढ़ाते जाते हैं जोड़ते जाते हैं एंड और क्या करते हैं चार्टर फ्लाइट्स चार्टर माने होता है हायर किराए में लेना रेंट समथिंग चार्टर समथिंग या हायर समथिंग ठीक है किराए में लेते हैं फ्लाइट्स को थ्रू ओपन बीडिंग खुली नीलामी के द्वारा है ना खुली बोली लगा करके एक तरह से ये क्या करते हैं चार्टर लेते हैं चार्टर करते हैं फ्लाइट्स वगैरह को ठीक है सच मीजर्स ऐसा उपाय जो होता है कुड बी thought ऑफ इस पर भी विचार किया जा सकता है ऑफ एज अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मतलब होता है एक विकल्प के रूप में टू सी ट्रैवल समुद्री यात्रा के समुद्री यात्रा की बजाय एक विकल्प के रूप में इस प्रकार के उपाय भी प्रयोग में ला सकते हैं विच हैज़ लिव्ड इट्स यूटिलिटी आउट यूटिलिटी मतलब होता है यूज यूज है ना यूजफुलनेस अपने प्रयोग की और आउटलिव होता है रिमेन आफ्टर यूज़ है ना मतलब कहने का जो कि बर्क आउटलीव मतलब और ज़्यादा समय तक चलेगा इट्स यूटिलिटी अपने प्रयोग से ठीक है ना तो इसका यूज़ होने के बाद भी ये और समय तक टीका रहेगा मतलब कहने का एक इस प्रकार की प्रयोग को भी हम कर सकते हैं कि सेविंग्स वगैरह का यूज़ करें जैसे कि मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है तो आपने इस ऑडिटोरियल में जो देखा है वो मेन चीज़ें क्या पढ़ी हैं कि फ्लाइट से जो हमें एक ही नुकसान बस ये होता है कि कॉस्टली होता है और जो लोग गरीब तबके के हैं उनको यात्रा करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ठीक है उन्हें एक बार सोचना पड़ता है अपनी सेविंग्स इकट्ठा करनी पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मनी प्रॉब्लम आजकल सबसे बड़ा इशू हो जाता है फिर ठीक है ना लेकिन इससे जो अगर हम समुद्री यात्रा को ले जाते हैं तो ये बात तो पक्की है कि भाई कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन आप देख रहे हो जहाँ पर हमें मतलब कहने का आठ घंटे छः से आठ घंटे में हम पहुँच जाते थे वहां हमें पाँच दिन वेस्ट करने पड़ेंगे कम से कम ठीक है ना और इसके साथ साथ और क्या होगा अपना कुछ अलग से प्रिपरेशन भाई यहाँ पर फ्लाइट से जा रहे हो तो आप अपने सिटी से जा सकते हो ठीक है जो आपकी मतलब प्रोविंशियल सिटी होगी लेकिन यहाँ पर क्या है प्रोविंशियल कैपिटल होगी लेकिन यहाँ पर होगा आपको कि आपको मुंबई जाना पड़ेगा उसके लिए टाइम वेस्टेज फिर वहाँ से समुद्री यात्रा के लिए और जो मतलब मिस होता है समुद्री यात्रा का ये भी बढ़ जाएगा है ना दुरुपयोग बढ़ जाएगा तो जो मतलब कहने का ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ऐसे केसेज भी सामने आने लगेंगे फिर तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं कहीं ना कहीं पैसे का फायदा हो रहा है लेकिन और भी बहुत सारे नुकसान हैं ठीक है ना इस प्रस्ताव से फिलहाल हम आप वर्ड्स पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे फेरी सम्बडी समथिंग का मतलब होता है टू कैरी पीपल और गुड्स इन अ व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरी जगह सामान को या कि लो, लोगों को ले जाना फेरी करना यात्रा कराना जैसे ही ऑफर्ड टू फेरी अस अक्रॉस द रिवर इन हिज बोट उसने प्रस्ताव रखा टू फेरी अस हमको यात्रा कराएगा अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के पार इन हिज बोट अपनी यात्रा अपनी बोट में ठीक है एनक्रोनिज्म होता है अ कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट ऐसा रीति रिवाज ऐसा विचार जो कि ओल्ड फैशन प्रतीत होता है और वर्तमान समय से संबंध नहीं रखता ठीक है लॉडेबल होता है प्रशंसनीय, नहीं है कमेंडेबल ठीक है दोनों ही वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ध्यान दीजिएगा वर्दी ठीक है ऑन द फेस ऑफ इट होता है एट फेस वैल्यू ऊपरी रूप से ठीक है विदाउट नोइंग ऑल ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट सभी जानकारियों को बिना जान जाने केवल फेस वैल्यू के आधार पर होता है ऑन द फेस ऑफ इट ठीक है इल कंसीव्ड होता है बैडली प्लांट और डिजाइन बुरी तरीके से नियोजित या डिजाइन किया गया ठीक है जैसे इल कंसीव्ड पॉलिसीज कह सकते हो बुरे तरीके से नियोजित की गई नीतियां ठीक है फेज आउट समथिंग का मतलब होता है टू स्टॉप यूजिंग समथिंग ग्रेजुअली इन स्टेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक निश्चित समय के बाद या धीरे धीरे करके किसी पर्टिकुलर चीज का प्रयोग करना बंद कर देना जैसे सब्सिडीज टू फार्मर्स फार्मर्स को दी गई जो छूटे हैं विल बी फेस्ड आउट बाय नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष तक क्या कर दी जाएंगी समाप्त कर दी जाएंगी धीरे धीरे करके फेज आउट कर दी जाएंगी स्टॉप कर दी जाएंगी ठीक है आगे पढ़ते हैं रिचुअल होता है अनुष्ठान या धार्मिक क्रिया ठीक है अलग अलग शब्द हो सकते हैं अलग अलग धर्म के लिए इसके इम्बार्केशन होता है लादना लदाई द एक्ट ऑफ गेटिंग इन टू अ शिप मतलब शिप में लद जाना सवार होना भी होता है इसका मीनिंग ठीक है तो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो ड्रेस्टिकली मतलब होता है इन एक्सट्रीम मैनर दैट हैज अ सडन सीरियस और वियोलेंट इफेक्ट ऑन समथिंग इतना अजीब तरीके से कि उसका सडन हो सीरियस और वियोलेंट इफेक्ट समझ में आए बहुत ही अचंभित कर देने वाला प्रभाव समझ में आए जैसे थिंग्स हैव स्टार्टेड टू गो ड्रेस्टिकली रोंग जो चीज़ें हैं वो शुरू हो गई हैं होना कैसे गो स्टैटि ड्रैटिस्टिकली रॉन्ग मतलब कहने का बहुत ही अचंभित रूप से बहुत ही चौंका देने वाले रूप से हर चीज़ गलत ही होती जा रही है ठीक है ये कहने का मतलब है द रिगर्स ऑफ समथिंग होता है दर डिफिकल्टीज एंड अनप्रजेंट कंडीशन ऑफ समथिंग मुश्किलें और वो बुरी दशाएं किसी पर्टिकुलर स्थिति की कठिनाइयां कह सकते हो आप द प्लांट्स व अनेबल टू विथ स्टैंड द रिगर्स ऑफ हार्श विंटर मतलब रिगर्स ऑफ हार्श विंटर मतलब होता है कड़ी ठंड की जो जटिल स्थिति है उसमें विथ स्टैंड करने टीके रहने में असमर्थ थे कौन पौधे ठीक है पास समथिंग ऑन टू समबडी का मतलब क्या होता है पास समथिंग ऑन टू समी टू गिव समथिंग टू समबडी एल्स आफ्टर रिसीविंग और यूजिंग इट योर सेल्फ अपना खुद का प्रयोग करके उस चीज को आगे बढ़ा देना है ना आगे बढ़ाने का सेंस या फिर दे देने का सेंस देता है पास समथिंग ऑन टू समी इसके दो एग्जाम्पल मैंने लिख दें ताकि आप बेहतरीन ढंग से इसे समझ पाएं पास द बुक ऑन टू मी किताब को मेरी और पास करो आफ्टर यू हैव फिनिश्ड विथ इट जब आपने इसके साथ अपना काम करना पूरा कर लिया मतलब इससे जब आपका काम खत्म हो जाए तब इस बुक को आप मेरे पास पास कर दो है ना मुझे प्रदान कर दो आगे बढ़ा दो तो पास द बुक ऑन टू मी तो पैटर्न याद रखिएगा पास समथिंग ऑन टू समबड़ी एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ आई पासड योर मैसेज ऑन टू माई मदर मैंने आपका संदेश माँ को भेज दिया है आगे बढ़ा दिया है ये कहने का मतलब प्रदान कर दिया है ठीक है आगे पढ़ते हैं कार्टेल नाउन है ये रिपीट वर्ड हो रहा है और मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ आपके लिए अ ग्रुप ऑफ सेपरेट कंपनीज़ दैट एग्री टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय फिक्सिंग प्राइजेज एंड नॉट कम्पीटिंग विथ ईच अदर ऐसी कंपनियाँ जो कि सहमत हो जाएँ अपने दामों को मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में और खास करके अपने दामों को निर्धारित करके बिना प्रतिस्पर्धा के एक दूसरे से ठीक है ना ये मीनिंग होता है प्लस होता है नासमझ टाइप का विदाउट मॉरल प्रिंसिपल जिसके पास नैतिक सिद्धांत ही ना हो नॉट ऑनेस्ट बेईमान टाइप का इंसान ठीक है तो उसे प्लस कहते हैं ठीक है थीके? एक वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट छिपा हुआ है प्लस इसको समझेंगे प्लस जो होता है बहुत ही केयरफुल पर्सन बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने वाला उसे प्लस कहते हैं विद्वान कह सकते हो सूझबूझ भरा कह सकते हो और प्लस का बहुत ही फेमस एक साइनोनिम भी है मेटिकुलर एम -E कि बराबर एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में मतलब कहने का अपने स्थान बना चुके है। तो हैं तो स्क्रप्लस मेटिकुलस दोनों है और यहां अनस्क्रप्लस होता है ना समझ और स्क्रप्लस क्या होता है बहुत ही केयरफुल पर्सन हर काम को बड़ा केयरफुली करने वाला और समझदारी के साथ करने वाला समझदार पर्सन उसे स्क्रप्लस कहते हैं ठीक है थीके? तो ये तीन वर्ड्स इससे रिलेटेड हैं आपको तीनों को याद रखना चाहिए एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कार्ड समथिंग होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग दैट यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू नीड उस चीज़ से छुटकारा पाना जिससे अब आपको आवश्यकता नहीं है गेट रीड ऑफ समथिंग इस प्रिपोजिशन भी पूछा जा चुका है इसलिए इसको भी ध्यान देंगे गेट रीड ऑफ समथिंग ये होता है एग्जाम्पल देखेंगे द रूम वॉज लिटर्ड विथ डिस्कार्डेड न्यूज़ पेपर जो कमरा था लिटर्ड उसमें फैल गया था गंदगी के रूप में फैला दिया गया था विथ किस चीज से डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर डिस्कार्डेड माने होता है खाली पड़े जो अब जिनका प्रयोग नहीं है ऐसे न्यूज़पेपर्स के द्वारा पूरे रूम में को मतलब कहने का भर दिया गया था गंदगी के रूप में फैला दिया गया था इन पेपर्स को कम्बर समथिंग का सम का मतलब क्या होता है एडजेक्टिव है ये लार्ज एंड हैवी डिफिकल्ट टू कैरी इतना भारी भरकम हो जिसे ले जाना मुश्किल हो जैसे सम मशीनरी आप कह सकते हो ठीक है और एक और इसका मीनिंग होता है स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड जैसे कंबरसम लीगल प्रोसीडर मतलब कहने का बड़ा ही धीमी और जटिल प्रक्रिया वाला कानूनी प्रक्रिया ठीक है बड़ी ही धीमी एवं जटिल कानूनी प्रक्रिया ऐसे मीनिंग पढ़ सकते हो तो दो तरह से यूज होता है आप जैसा चाहो कर सकते हो है ना यहां पर यह वाला मीनिंग यूज हुआ था कम्बरसम का सेकेंड वाला मीनिंग चार्टर समथिंग होता है टू हायर और रेंट अ प्लेन बोट एट्सेट्रा फॉर योर ओन यूज अपने प्रयोग के लिए किसी मतलब प्लेन को या बोट को हायर कर लेना किराए पे ले लेना इसे कहते हैं चार्टर समथिंग दे फ्यू टू एथेंस सॉरी फ्लू है यहाँ पर फ्यू नहीं है एफ एल ई डब्ल्यू दे फ्लू टू एथेंस वो एथेंस को के लिए उन्होंने उड़ान भरी एंड देन और फिर चार्टेड अ बोट टू द आईलैंड और फिर एक बोट जो है उधार ले ली सॉरी किराए पर ले ली टू द आईलैंड आईलैंड की ओर ठीक है आउट लीव सम होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर समथिंग एल्स हैज एंडेड कोई चीज समाप्त तो हो गई हो उसके बाद भी बरकरार बने रहना वो होता है आउट लीव ठीक है ना द मशीन हैज आउट लिव्ड इट्स यूजफुलनेस जो मशीन है अपनी उपयोगिता के बाद भी क्या रही एग्जिस्ट रही कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बरकरार बनी रही ठीक है तो ये थे वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप हेल्पफुल होंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नए ग्रामर पॉइंट्स के साथ तब तक क्लिक गुड बाय थैंक यू वेरी मच